दुमका के मुफशील थाना क्षेत्र के सवा गांव स्थित एक मकान में गन फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। भंडाफोड़ की कार्रवाई बंगाल की पुलिस और दुमका पुलिस ने संयुक्त रूप से किया। पुलिस को भारी मात्रा में अवैध देशी कट्टा और कट्टा बनाने का सामान जब्त किया है, जिसमें 50 अर्धनिर्मित पिस्टल, 20 निर्मित पिस्टल, 5 पिस्टल बनाने की लेद मशीनें सहित कई सामान बरामद किया है। इस अवैध कारोबार में संलिप्त पुलिस ने एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि कोलकाता की स्पेशल पुलिस टीम ने 22 मार्च को एक आरोपी को पकड़ा था। उसी के निशानदेही पर कोलकाता की पुलिस ने दुमका मुफशील थाना की पुलिस के साथ मिलकर यह बड़ी कार्रवाई की है। बताया जाता है कि पिस्टल बनाने वाले लोग बिहार के मुंगेर से जुड़े हैं। जिस मकान से ये सामान जब्त किया है वो किसी रवि कुमार का बताया जाता है। झारखंड के दुमका में निर्मित ये सामान बंगाल के मालदा, झारखंड के रूपनारायणपुर और बिहार के कई इलाकों में अवैध रूप से बेचा जाता था। देखिए, बंगाल की टीम हमारे संपर्क में आई थी, उनके पास इन्फॉर्मेशन था। उन्होंने कुछ दिन पहले बंगाल में इसी दिन का उद्भेदन किया था, तो उनके सूचना के आधार पर उनकी टीम आज यहाँ पर आई और इस सर के नेतृत्व में निर्देश पर एक टीम बना। टीम के द्वारा यहाँ पे छापेमारी की गई थी, जिसमें इस टीम में बंगाल के जो स्टेट के जवान और पदाधिकारी हैं, मुफस्सिल थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर। और ये इस घर पे, ये घर ऑलमोस्ट उनको लगता निर्माणाधीन है, लेकिन यहाँ पे जो अंदर पता चला कि वो देखने से कि करीब 5-6 लेत के मशीनें हैं और ये मकान रवि कुमार का है। और यहाँ पे तत्काल जो काम करते हुए 5 पुरुष हैं और एक महिला है, जो संभवतः ये उसी गैंग के, क्योंकि अपना पता मुंगेर बता रही है, इनको गिरफ्तार किया गया। तो साथ में जो रिकवरी हुई है वो अर्धनिर्मित करीब 25 पिस्टल है, देसी पिस्टल है, अर्धनिर्मित है वो, और उसके पार्ट्स काफ़ी संख्या में, ऑलमोस्ट सभी मिलाकर के पार्ट्स यदि अलग अलग जोड़ेंगे तो करीब 50-60 के आसपास पार्ट्स बने हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ा ये एक जो अर्ध निर्मित और ये सारा मटेरियल, इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे काफ़ी व्यवस्थित ढंग से इसको किया जा रहा था। और रवि कुमार के बारे में इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये मुंगेर का ही रहने वाला था, इनको यहाँ पर इसने बना के रखा, बाकी वो फाइनल वो अपने मुंगेर में ले जाकर। 6 महीने से या साल भर से चल रहा था, अब इसकी कोई स्पेसिफिक नहीं बता सकते कि कितना चल रहा था, लेकिन ये इनिशियली जो मकान का ढांचा देख रहे हैं कि एक नया मकान है और कुछ महीनों से ये स्टार्ट किया है और ये रड कटिंग का काम करता था जो ग्रिल।